कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका न्यूरोटिज्म, ठीक है। न्यूरोटिज्म मतलब क्या होता है, व्यक्ति आवेग में आ जाता है, आवेग में आके उसका क्या हो जाता है, पूरी तरीके से मूड स्विंग हो जाता है। मूड स्विंग हो जाता है वो समय समय पर क्या होता है, आवेग में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, न्यूरोटिज्म। मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, उसको क्या कहा जाता है, न्यूरोटिज्म कहा जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका कैलेस्ट्रोफोबिया। कैलेस्ट्रोफोबिया मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको क्या होता है, बंद जगह पे तो रहता है लेकिन वो क्या होता है, बंद जगह पे घुटन महसूस करता है, अपनी जगह पे ही रहता है लेकिन उसको अपने आप में क्या होता है, घुटन महसूस होती है, उसको क्या कहा जाएगा, कैलेस्ट्रोफोबिया। फिर थर्ड है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, पठन में प्रॉब्लम, मतलब पढ़ने में क्या होती है, व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, मतलब सीधे की जगह उल्टा पढ़ता है, सौ की जगह वॉस पढ़ लेगा, इसको क्या कहा जाएगा आपका, डिसलेक्सिया। ब्यूलेमिया क्या होता है, ब्यूलेमिया मतलब क्या होता है, भोजन का सेवन अधिक से अधिक करता है, मतलब भोजन के खाने की लत पड़ी आती है, उसको ब्यूलेमिया कहा जाता है, ठीक है। एनेस्ट्रोसोमनिया क्या होगा आपका, एनेस्ट्रोसोमनिया होगा मोटापा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो अपने आप को सोचता है कि अरे यार मेरा शरीर तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ, तो इसको क्या कहा जाएगा, एनेस्ट्रोफोबिया कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या बताया, मैंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बताया। एक आपको मैंने बताया था ADHD, अटेंशन डेफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता है। ADHD मतलब ध्यान का अभाव, मतलब ध्यान की रहने की प्रॉब्लम, उसको ADHD कहेंगे, ठीक है। एक होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब बार बार ताले को देखेगा, ताला बंद है कि नहीं, बार बार ताले को हाथ हिला हिला के देखेगा, उसको क्या कहा जाएगा, OCD कहा जाता है। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को वो ग्राफ के द्वारा बता नहीं पाता, उसको क्या कहा जाएगा, डिसग्राफिया। डिसकैलकुला मतलब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आती है, उसको क्या कहा जाएगा, डिसकैलकुला। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम मतलब सम करने में प्रॉब्लम आती है, उसको डिसकैलकुला।